ચાટે હો જોઈ જા એટલે કીધું જલ્દી और मेरे भाई लोग कैसे हो एंड वेलकम टू अनदर गेम प्ले ऑफ पबजी मोबाइल। तो आज फाइनली नया अपडेट आ चुका है, तो जल्दी से जल्दी कमेंट में बता दीजिए क्या कि किस किसने अपडेट कर लिया है ये नया अपडेट। तो ये मैंने पहली मैच खेली थी, पहली नहीं है मतलब दूसरी होगी शायद, हाँ दूसरी, पहली मैंने खेली थी बट मेरे को कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया था इसलिए। तो ये दूसरी मैच है तो देख लो, मैं थोड़ा बहुत सीख गया था इसमें इसलिए ट्राई करता हूँ मैं। और जैसे ही इधर आता हूँ तो मेरे को आवाज़ आ जाता है कि ऊपर एक बंदा है और एक टेरेस पे भी है, तो दोनों को भरना पड़ेगा अभी। तो पहले टेरेस वाला नीचे कूद जाता है, उसको मारने के मैं ट्राई करता हूँ बट वो लैग हो रहा था इसलिए कोई बात नहीं। बट मुझे जैसे ही ऊपर से आवाज़ आता है कि वो घिसड़ रहा है, क्योंकि वो सो ऊपर ही सो रहा था, तो मेरे को उसके लोकेशन तो पता चल ही चुकी थी इसलिए मैं सीधा घुस जाता हूँ। डायरेक्ट नहीं घुसता क्योंकि ये देखो देखो अभी, और ये एक इजी किल। तो उसकी डीपी तुरंत ही लेते हैं और फिर उस बंदे को मारने चलते हैं जो अभी क्या बोलते हैं उस पुलिस स्टेशन में गया था वो, हम तो उसे वही बोलते हैं इसलिए। चलो तो उसको भी मारते हैं, वो भी मेरे सामने ही आके बैठ जाता है इसलिए देखो उसको कैसे मारते हैं। एक इजी किल ले लेते हैं और फिर थोड़ा बहुत लूटते हैं। मेरे को थोड़ी बहुत लूट मिल चुकी थी और एक बंदा ऊपर था और उसने किसी अभी एक बॉट को मारा था, तो मैं उसको देख लेता हूँ कि जैसे ही नीचे कूदता है तो उसको पता भी नहीं था कि मैं इधर हूँ। तो देखो उसको कैसे इजीली भरते हैं। और इधर एक बॉट भी होता है तो उसको भी एक इजीली हेड मार के ख़त्म कर देते हैं। और मिलिट्री में तो बस और कोई बचा ही भी नहीं था इसलिए अब मिलिट्री से चलते हैं, तो आगे देखते हैं कुछ बंदे मिल जाए तो। फिर मैं आता हूँ ब्रिज पे कि मेरे को लगा कि चलो मेरे साइड जोन बन जाएगा तो अच्छा है, लेकिन मेरे को नीचे से फुटस्टेप आने लगता है ब्रिज के नीचे से, तो मेरे को लगा बंदा होगा लेकिन बाद में देखता हूँ तो
बॉट ही था, लेकिन मेरे को अचानक साइड से पड़ जाती है। देखो पता नहीं कौन सी एबिलिटी से मारा था मेरे को, मैं जल रहा था पता नहीं, और मेरे को लगा मर जाऊंगा लेकिन बच जाता हूँ इधर मैं। तो देखते हैं उसे कैसे भरते हैं। आप गैस करना, कमेंट में ज़रूर लिखना कि मार सकूंगा या नहीं मार सकूंगा, वो बता देना इसको। मैं बहुत देर तक इधर उधर देखता हूँ, बट मेरे को दिखता ही नहीं है, पता नहीं किधर गायब हो गया था। बट इतने देर में एक बॉट दिख जाता है, तो उसको पहले मार लेते हैं क्योंकि बॉट का किल ज़रूरी होता है। और उतनी देर में वो बंदा भी दिख जाता है थोड़ी देर में। मैं इधर 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 देख रहा था, मेरे को लगा नीचे से आएगा, बट मेरे सामने से ही आता है। तो देखो कैसा भरेंगे उसको। पहली बार में वो भी मेरे को डैमेज देता है, और पहली बार में मैं भी उसको डैमेज देता हूँ, वो भी मुझे डैमेज देता है। बट वो एकदम ही आ गया था मेरे, और मेरे को लगा चलो मैं नेट डाल देता हूँ कि कुछ हो जाए तो अच्छा है। तो मेरे पास एक नेट था, तो मैंने ऐसे ही तुक्का करके डाल दिया। तो जल्दी से जल्दी इधर बताओ कि फूटेगा या नहीं। और ये बूम, तो इस नेट किल के लिए एक लाइक तो ज़रूर कर देना। तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैं थोड़ी देर ब्रिज पर रुका रहा कि चलो कोई आएगा तो अच्छा है, लेकिन बहुत देर वेट किया, लेकिन एक बाद में बंदा तो आता ही है। तो मैं उसको बिल्कुल मतलब बिल्कुल क्रिटिकल कर देता हूँ, बट वो बच के निकल जाता है मेरे हाथ से इसलिए। और मैं थोड़ी देर बाद मैं उसको ढूंढने भी जाता हूँ कि चलो मिल जाए तो अच्छा है। बहुत दूर तक ढूंढने जाता हूँ बट वो नहीं मिलता है मेरे को, इसलिए मैं फिर से घूम फिर के फिर से ब्रिज पे आ जाता हूँ। बट इतनी देर में मेरे पीछे से M249 पड़ने लगती है। तो मैं इधर ब्रेक मारने की ट्राई करता हूँ, बट मेरे ब्रेक लगते ही नहीं है, पता नहीं क्या ग्लिच हो गया था, मेरी गाड़ी की ब्रेक ही नहीं लगती। तो देखो उस M249 वाले को कैसे भरेंगे या मर भी जाएंगे क्या पता। हमारी ये फाइट बहुत मतलब बहुत देर तक चलती है, बट इतनी देर में जोन भी आ जाता है पीछे से, तो मेरे को जोन में जाना पड़ता है। वो पता नहीं किधर जाता है, बट मैं जोन में जाता हूँ तो मेरे को वो मारता भी नहीं है, इसलिए मैं जोन में निकल जाता हूँ बाद में थोड़ी देर में। फिर मैं आ जाता हूँ एक घर पे, एक लास्ट जोन ही बचा हुआ था और 7 बंदे बचे हुए थे। वो मेरे सामने ही कुछ लोग लड़ रहे थे नीचे की साइड, रिज की नीचे की साइड, और मैं जोन में ही था। मेरे को लगा इधर जोन बनेगा, बट जोन इधर बनता नहीं है, और मेरे को पीछे से फुटस्टेप भी आता है इसलिए मैं पीछे सीधे जाता हूँ। और मेरे को लगा चलो बंदा होगा, लेकिन एक बॉट निकलता है वो तो। बट अच्छा हुआ है बॉट आ गया, क्योंकि मेरे को 7 KM ज़रा भी नहीं थी, और थोड़ी लॉन्ग रेंज फाइट होती तो मेरे को काम लगती, इसलिए मेरे को इधर 7 KM मिल जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट थी वो अभी के लिए। तो
जैसे ही इसको मारता हूँ, और इस इतनी देर में तो देखा तो जोन बन चुका था, और उधर ही जोन था जिधर वो लोग लड़ रहे थे। इसलिए देखते हैं क्या ये चिकन डिनर हो पाएगा। कमेंट में ज़रूर बताना है कि चिकन डिनर होगा या नहीं होगा। अगर हो गया तो आपको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। तो इधर ग्रोजा और आम चल रही थी कब से, तो मैंने सोचा कि चलो फ़ायदा ले लेता हूँ इनका, कि ये लोग लड़ रहे इतनी देर में मैं जोन में पहुँच जाऊँगा। तो मैं इधर आ तो जाता हूँ जोन में, और लास्ट बंदा बचा हुआ था, बट मेरे को उसकी लोकेशन पता नहीं थी। तो देखते हैं क्या होता है, जीतते हैं या नहीं जीतते हैं। सामने ड्रॉप था, इधर मेरे को कुछ हिलता हुआ दिख तो रहा था, बट मेरे को कंफर्म नहीं पता था कि वो बंदा है या फिर घास से। अगर मैं खड़ा हो जाता तो उसको पता चलता कि पता चल जाता, मतलब क्या बोल रहा हूँ भाई, उसको पता चल जाता कि मैं इधर हूँ। लेकिन अभी मैं ज़्यादा मूवमेंट नहीं दे रहा था, क्योंकि मेरी लोकेशन नहीं पता थी उसको, और मेरे को भी नहीं पता थी। लेकिन जैसे ही उसने मिस फायर होता है तो वो खड़ा हो जाता है। तो देखो कैसे भरते हैं अभी। पहली बार में तो मैं मिस हो जाता हूँ, और फिर भी उसको लोकेशन मेरी पता नहीं चलती कि मैं किधर से मार रहा हूँ। तो वो देखो क्या मिस्टेक करता है। मैं इधर हील कर ही रहा होता हूँ कि देखो मेरे को वो दिखता है कि घास में कुछ रेंग रहा है। देखो आपको भी दिखा होगा, तो मैं तुरंत पिक देता हूँ कि मारने के लिए। देखो अभी दिखा, और मैं जैसे ही पिक देता हूँ, और एक ईजी चिकन डिनर। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आपको मैंने बोला था कि ये चिकन डिनर होगा, तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे तो जल्दी से जल्दी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं।